देश भर में कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उस बीमारी में आंखों का लाल होना, दर्द महसूस होना, आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलना जैसी कई लक्षण नजर आते हैं। मॉनसून के मौसम में कंजक्टिवाइटिस का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि जो आई फ्लू वायरल है वो बैक्टीरियल या एलर्जिक संक्रमण के कारण हो सकता है। ऐसे में आंखों की देखभाल करना काफी जरूरी है। आई फ्लू से बचने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं और कुछ अच्छी चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये आपकी आंखों को स्वस्थ रखने में काफी मददगार है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी फूड्स को आप अपने डाइट में शामिल करेंगे जिससे कि आप आई फ्लू जैसी बीमारी से बच सकते हैं। हरी सब्जी खाना सबसे पहले शुरू कर दें। अगर हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आप आई फ्लू जैसी बीमारी से बच सकते हैं। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। जैसे अगर आप साग खाना शुरू करते हैं, पालक, कद्दू, ऐसी कई सारी चीज़ें, तो ग्रीन वेजिटेबल, बेसिकली जो ग्रीन वेजिटेबल होता है वो खाना आप शुरू करते हैं तो आपकी आँख की रोशनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आप आई फ्लू से भी बच सकते हैं। आँखों के लिए विटामिन ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप अपनी डाइट में अगर विटामिन ए शामिल करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप विटामिन ए कैसे ले सकते हैं, तो आपको बता दें कि शकरकंद, खुबानी, पपीता, कद्दू, ये सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। तो आप अगर ये सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप विटामिन ए इनटेक करेंगे जो कि आपके आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। विटामिन सी आँखों को संक्रमण से बचाता है। विटामिन सी भी आपकी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है जिससे कि आप कई तरह के बीमारियों और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अंडे में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये जिंक और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत होता है। अगर आप अपनी डेली डाइट में अंडे शामिल करते हैं तो आंखें स्वस्थ रहती हैं और संक्रमण को मात दे सकती है। अब नट्स खाना भी आपकी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। ना सिर्फ आंखों के लिए बल्कि नट्स तो ऐसे भी आपके लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन अगर बात कर रही हैं हम आई फ्लू की तो आई फ्लू से बचने के लिए नट्स खाना भी काफी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये छोटे छोटे जो नट्स होते हैं वो पोषक तत्वों के पावर हाउस माने जाते हैं। इनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी आंखों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। इसके लिए आप बादाम, अखरोट, ऐसे सारे नट्स खा सकते हैं। मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड के स्रोत पाए जाते हैं। ये सूजन को कम करने और आंखों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि मछली आपकी आंखों के लिए काफी अच्छी होती है, इसलिए मछली खाना काफी जरूरी होता है। अब ऐसे में अगर आप आई फ्लू से जूझ रही हैं तो आप मछलियों का सेवन जरूर कर सकते हैं, इससे भी आप आई फ्लू जैसी बीमारी से बच सकते हैं।